खाना खाओ, एग्जामिनेशन रिजल्ट अब हो चुका, तो लाइफ सुपर डुपर हिट है। ये देखो, ये हो रहा है ग्रुप स्टडीज। मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या मैं लेट हूँ? नहीं, मैं लेट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ये समझ लिया है कि हर इंसान अपने अपने टाइम को सेट करता है अपने अकॉर्डिंग। मेरी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, दूसरों की अलग हैं। कोई आओ, एक मिनट, बुक गिरा दिया। तो क्या है कि कोई क्लास से आधे घंटे पहले पहुंचना चाहता है क्लासरूम, कोई 15 मिनट पहले पहुंचना चाहता है। तो मेरा है कि मैं 10 मिनट पहले पहुंचना चाहती हूं, तो आई एम नॉट लेट। हर चीज़ ऐसे ही है, क्या है ना कि हम लेट नहीं होते, हम दूसरों को देखकर कई बार ही अपने आप को लेट फील करते हैं। लाइफ में हर जगह, कहीं हम प्रोफेशन में अगर स्लो हैं तो स्लो हम नहीं हैं, क्योंकि आगे वाला फास्ट है, इसलिए हमको लगता है हम स्लो हैं। मेरे साथ ऐसा है कि मैंने धीरे धीरे अपने भीतर आ पाया है, तो अब मैं थोड़ी स्थिर हो गई हूँ। मुझे दूसरों को नहीं देखना है अपना टाइम सेट करने के लिए, मैं अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट करूँगी, ये मैंने अभी तय किया है। गुड मॉर्निंग। पद्माकर आया है क्या? आएगा ना, अंदर है। ओ, मैं जिसका वेट कर रही हूँ वो किचन के अंदर है। पद्मा, गुड मॉर्निंग। वेट कर रही थी, मेरा थोड़ा सा नेवल चेक कर लोगे? मैंने इसलिए नाश्ता नहीं किया। चलो, ये है जी पद्मा, पद्मा सर यानी कि पद्माकर सर। ठीक है, कब आए? क्या बात कर रहे हो, मैं थोड़ा रुक कर आई कि जब आओगे तब मैं आऊंगी। हो गया मेरा एम्प्टी स्टमक जो ट्रीटमेंट होने वाला था, तो मैं कहाँ थी? हाँ, हम क्या करते हैं ना कि कौन कब कहाँ पहुँचा, हम ये रिजल्ट देखते हैं। मतलब मैं तो यही करती थी, पर ये नहीं देखते कि मैं उस टाइम पे वहाँ नहीं पहुँची, क्योंकि उस बीच में मैं क्या कर रही थी, मैंने कितने सारे काम कर लिए इस बीच में। ऑफ कोर्स अपनी अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं। हम दूसरों को देखना अगर कम कर देंगे तो घाई नहीं मचेगा। सबने नाश्ता कर लिया है, क्योंकि एम्प्टी स्टमक सिर्फ मेरा ट्रीटमेंट होना था। बहुत कम, बहुत कम, बस बस बस, ज़्यादा कटलेट, एक बस, एक एक एक, एक। थैंक यू मौसी। आपने खाया? अभी खाएंगे ना। खाओ खाओ। सी, अकेले खा कर आ रही हो नाश्ता, लेकिन लेट नहीं हो। तो हो गया आज का परफेक्ट काम, बहुत सारा काम किया, झाड़ू पोछा सब कर लिया है। चार्ल्स बता रहा होगा आपको कि मैं कहीं भी किसी चीज़ के लिए लेट नहीं हूँ, क्योंकि लेट तो कुछ होता ही नहीं है, आई एम ऑन माई ओन टाइम। तो चलो अब खाना खाते हैं, क्लास ओवर हो गया है, और अभी हमारे फैमिली से एक सदस्य हैं जो यहाँ आई हुई हैं ट्रीटमेंट के लिए। देखकर खुशी हुई, डॉक्टर ने सर्जरी बोला था, लेकिन अभी वो एक चांस ले रही हैं ट्रीटमेंट लेकर के। अब क्या है,
डॉक्टर तो पूरा रिप्लेस ही कर देने की बात करते हैं, पर जो वो मशीन बना कर दिया है उसको थोड़ा बहुत मौका देना चाहिए ना खुद से रिपेयर करने का। सो शी इज़ डूइंग दैट। अच्छा हाँ, ये तो मैंने इन्फॉर्म किया आपको, अभी मिलकर आई हूँ और खाने के बाद फिर से मिलूंगी। और ममता, आई थिंक मैं नाम सही ले रही हूँ, ममता, एग्जामिनेशन अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ यार? चलता है, आपने पूछा है मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करना है, जो करना था वो तो कर दिया, एग्जाम में पेपर दे दिया, अच्छा नहीं हुआ, अब जो करेगा वो तो टीचर करेगा, मैं और आप क्या कर सकते हैं? सो डोंट वरी, बट ये मजाक नहीं है, मैं बात करती हूँ, खाना खा लेती हूँ पहले, और वही करो, खाना खाओ। एग्जामिनेशन रिजल्ट अब हो चुका, वो जो लिखा है उसी का रिजल्ट आएगा, खाना खाओ, नॉर्मल लाइफ जियो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही करती हूँ, और बाकी की बात खाना खाने के बाद। देखो लेट नहीं है, हम टाइम पर है, खाना कहाँ है? अपने स्पीड को फॉलो करना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि अपने स्पीड के चक्कर में क्लास ही मिस कर दो, वो भी नहीं होना चाहिए, पर जो जितनी बात मैंने सुबह में बात की वो मैं फॉलो कर रही हूँ, और अमेजिंग रिजल्ट है, कोई भागम भागी नहीं है, इतना ज़्यादा अंदर से ग्रूम्ड लग रहा है, यस आई एम डूइंग समथिंग न्यू, एंड उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आज क्या है? आज है, हाँ आज दाल है हाँ, और मूली की भाजी है। मूली अरे दाल ना है रे बाबा, आलू आलू ग्रेवी वाले, ग्रेवी हाँ रस्से वाले आलू हैं, मस्त सरसों वाले। आ ये आलू तो किलर लग रहे हैं यार, बहुत टेस्टी खाना है। पूरी आलू की सरसों वाले रस्से की सब्जी, मूली की भाजी, मेथी और आलू की भाजी, चावल और छाछ। अरे आओ, कहाँ जा रही हो? वो आपको ही शर्म आ रही है। मुझसे क्या शर्म की बात है? मेरे लिए? हाँ। क्या है ये? खोल के देखो। खोल के देखो। आप खोल के देखो। आप खोल कर दिखाओ ना। खोल दो, खोल। अपना नाम सांभो। नहीं, वहां पे बोलो। अपना नाम बताओ ना। शुभ्रा। शुभ्रा। खोल। लड्डू बनाए। ये तो बहुत अच्छा है, यम्मी। कल उसके पापा ऑफिस से आए, वो पापा बोले लड्डू कब बने? आपके लिए नहीं है, वो रतन दीदी के लिए। ओह माय आपके लिए गॉड, नहीं थैंक यू शुभ्रा, थैंक यू बेबी, वेलकम। बैग कहाँ है भाई? शुभ्रा के लिए भी कुछ है, शुभ्रा के लिए ये है। खाती हो? फाइव स्टार खाती हो? क्यों भाई, शुभ्रा के दो हाथ हो दोनों, तुम्हें एक ही लड्डू हूँ क्या? मैं सारे लड्डू रखती हूँ तो आप ये खाओ ना। ओह माय गॉड, ये बहुत ही प्यारा गिफ्ट है, इसका कोई कीमत ही नहीं। ये आए हैं जी लड्डू। सब लोग सो रहे हैं, मुझे नींद ही नहीं आ रही, तो मैं सोच रही हूँ मैं अंदर क्लास में जाकर कुछ प्रैक्टिकल देख लेती हूँ। मैं क्या बात कर रही थी, हाँ हम लोग बात कर रहे थे एग्जाम्स की। ममता नाम है ना, नाम शायद मैं गलत ले रही हूँ, तब भी आप समझ जाओगे ना कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, और आप कह रहे हो कि अब मैं क्या करूँ। यार अगली परीक्षा की तैयारी करो, क्योंकि परीक्षाओं की तो कमी नहीं है, जीवन में हर घड़ी परीक्षा है। अभी आप देखो ना, परीक्षा में रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बुरा रिजल्ट हो गया, ये इस पर क्या रिएक्ट करो, ये भी तो एक परीक्षा ही है, तो कमी नहीं है यार। और एक परीक्षा के रिजल्ट में अगर उदास हो गए या मतलब तमाम खुशियां मना ली, तो अगले परीक्षा के लिए पीछे रह जाओगे। सो बी प्रिपेयर, इसमें ख़राब हुआ है अगले में अच्छा कर लेंगे, है ना? तो डोंट वरी, ये हम सब के साथ होता है, मेरे साथ भी। कितने ऐसे ऑडिशंस होते हैं जो कि बहुत ही बुरा होता है और इतना जान जाता है, लेकिन अब मैंने समझा है कि एक परीक्षा खराब हुआ तो क्या हुआ, अगले में अच्छा कर लेंगे। भगवान अच्छा करने का मौका देता ही रहता है, लगातार देता है, एक परीक्षा में खराब तो दूसरे में अच्छा कर लो, पर उसमें ज़्यादा फंसी मत रहना, उसके गम में इतना ना फंसना कि अगली परीक्षा की तैयारी ही ना कर पाओ, या अगला परीक्षा पता भी ना चले। कई बार हमें ऐसी परीक्षाएं मिलती हैं जो कि पता नहीं चलता कि परीक्षा है, लेकिन उसका रिजल्ट या भविष्य बताता है कि ओहो वो भी परीक्षा था और मैं उसमें पास हुई या फेल, वो तब पता चलता है। तो प्लीज़ इन्जॉय लाइफ, क्योंकि लाइफ में एग्ज़ाम्स, रिजल्ट, सक्सेस और स्पेशली फेलियर, ये इन्जॉय करने के लिए ही है। अगर इन सबको एक जैसा देख लिया ना,
या एक जैसा इंजॉय कर लिया तो लाइफ सुपर डुपर हिट है, ठीक है। सो चल मारो, खुश रहो, देखो कि खुश रहने के और क्या क्या बहाने हैं। अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ ममता रानी, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर में, यहाँ बहुत सारे केसेस हैं। क्लास ओवर। आपका डब्बा मेरे पास रह गया, कोई बात नहीं, आप ट्रीटमेंट के लिए आएंगे तो हम आपको फिर से देंगे डब्बा। अब आफ्टर क्लास वाला जो रिचुअल है वो निभाते हैं। क्या है रिचुअल? रूम खोलेंगे, जैकेट पहनेंगे। ओह, मैं अपना सॉक्स भूल आई। आजा महेंद्र, ये देखो, ये हो रहा है ग्रुप स्टडी जी। वाओ, थैंक यू। लीजिए, थैंक यू, वेलकम। चलो मैं भी लेके आया हूं। थैंक यू। जिसने जिसने जो जो लिखा है वो शेयर कर लेते हैं, है ना? कुछ लिखा नहीं। तू मेरा नाम रोशन करेगा बेटा, मैंने लिखा है। डायग्राम बनाया? हाँ, तभी तूने संजय का फोटो बना दिया। आप लोग बंधु से मिलना चाहते हैं जी? ये है बंधु। ये बंधु का है पैन, ये बॉल, ये स्प्रिंग। अच्छा नहीं, मजाक नहीं करते आप सच में। महेंद्र का सेंस ऑफ ह्यूमर ये मैं हूँ जी, भीतर से मैं आती हूँ। आपने किसका बना है? आपका दिखो, दिखो, आपका दिखो, विशाल का। वो एक साथ ही हो जाते हैं ना? हाँ हाँ हाँ। पैन के बीच में ही अब खाने जा रहे हैं। ग्रुप स्टडी अच्छा रहा, मुझे तो अच्छा लगा। क्या होता है कि फन भी हो जाता है और ऐसा लगता भी नहीं है कि पढ़ाई किया, पर पढ़ाई हुआ वाकई में। फिर कहूँगी कि हर इंसान डरता डरता रहता है, कभी कभी पीछे भी फील करता है। तो ममता, अगर कुछ ऐसे गुचुपुचु चल रहा हो ना अंदर एग्जाम्स के बाद, वो बटरफ्लाई या हड़कंप मच रहा हो, नॉर्मल छे, एकदम नॉर्मल छे। तो खाना पीना खाओ, मस्त रहो। अभी हम लोग भी जा रहे हैं खाना खाने, और ओवरऑल अच्छा करे, मजा आया। आ जाओ। पर गलती पकड़ा गया ना? हाँ, किसका क्या? हम लोग को रोज 20 मिनट बैठने का। नहीं यार, ये एग्जाम्पल ही नहीं सर, एक ना बहुत मजेदार बात होते हैं, ऐसा कराइचन ना है, ऐसा संघाइच। मैं ये सीखना चाहती हूँ, मुझे बहुत क्यूट लगता है ये डाला। गाजर और क्या है, शिमला मिर्च। थैंक यू सोनल, लड्डू वाकई में बहुत टेस्टी बने। मैं एक खा चुकी हूँ और फिर से दूध के साथ खादा खाने का सोच रही हूँ। हम लोग का फाइनल कट प्रो उड़ चुका है, तो कुछ भी एडिट नहीं हुआ है। अब जंगल जाने का भी टाइम नहीं था, तो कल हम लोग जंगल जाएंगे और अपने लैपटॉप को थोड़ा अप टू डेट करेंगे। पता नहीं कैसे उड़ गया यार, एक प्रॉब्लम नहीं, कभी कभी बिन बुलाए मेहमान की तरह ये प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो बस अभी सारा काम हो गया है, दूध पीऊँगी और फिर थोड़ा क्लीनअप श्लीनअप करके सो जाऊँगी। आज तो ग्रुप स्टडी किया है तो अब स्टडी का और मूड नहीं है। मुझे अच्छा लग रहा है कि हमारा ये जो जर्नी है, अगर इसको देखकर किसी की लाइफ में कुछ भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, और अगर आप में से भी कई लोग जो कह रहे हैं पढ़ना चाह रहे हैं और पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत कमाल है। क्योंकि मैं तो बस अपनी लाइफ शेयर करती जा रही हूँ, अब इससे किसको क्या मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मिल पा रहा है तो थैंक यू। चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैं धीरे धीरे क्यों बात कर रही हूँ, क्योंकि आज हमारे जो पड़ोस में बैचमेट है वो लगता है सो चुकी हैं, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ। मेरे हाथ में दूध है और ये एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, दूध पीता बच्चा। दूध तो मैं पी रही हूँ, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, प्रियेश को बोल रहे हो? बताओ, मैंने सोचा ना कि तुम मुझे कुछ बोल रहे हो, क्योंकि मैं दूध पी रही हूँ ना यहाँ पे। छोटी बच्ची हो क्या? हाँ मैं छोटी बच्ची हूँ। गुड नाइट, कल मिलते हैं सुबह सुबह।